कवि संत राम उदासी ने कहा है कि माँ धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे मगदा रही वे सूरजा कमियां दे विड़े। अज गल करन जा रहे हैं कमियां दी उन्हां मजदूरां दी जिहड़े हुण मजबूर होए पए ने। अज असीं पहुंचे हां बुंगा साहब विखे, इत्थे चार मजदूर अजिहे ने जिहड़े पूरी तरह मजबूर हो चुके हैं। इन्हां दे जिहड़े साथी है वो इन्हां दे नाल ते चले गए हैं ते ये जिहड़े चार है रजिस्ट्रेशन ना होण कारण इत्थे फसे होए ने। एक पासे ये अपना आशियाना मुंगा साहब दे सतलुज दरिया के नेड़े अपना उसके किनारे छोटा जिहा आशियाना बना के बैठे हुए ने ते दिन पर दिन पानी दे विच भी वाधा हो रहा है। भाखड़े वालों पानी छड्या जा रहा है, इन्हां नूं अपना आशियाना डुब्बण का भी खतरा है। दूजे पासे इन्हां नूं रोटी दे भी लाले पे हुए, तीजे पासे ये अपने घर जाने लिए उतावले हैं, अपने चहेते नूं मिलने लिए उतावले हैं। अज गल करदे आं इन्हां नाल ये किन्ने क मजबूर है ते की नाम है तुहाडा? शिव शंकर राम। कौन से जिले के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं हम। आपके साथी चले गए, आप क्यों नहीं गए? मेरा रजिस्ट्रेशन के कारण नाम नहीं बोला गया, रजिस्ट्रेशन पता ना, वो बोल रहे हुआ है जा कर के लौट आए, हुआ नहीं था। और हम घर जाने के लिए कम से कम 10-15 दिन पहले से ही मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो गया है ऐसे बोल रहे थे। हाँ, जा कर के लौट आए, अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जाके कोरोना का टेस्ट भी कराया मैंने रोपड़, अभी भी वो पर्ची पड़ी हुई है, खबर अभी तक नहीं आया है। और रोटी के लिए भी लाले पड़। कौन से ठेकेदार के पास रहते हो? ठेकेदार ने कोई सहायता नहीं की आपकी? ठेकेदार ने तो हमारे लिए कुछ सहायता भी नहीं किया, वो कोरोना का टेस्ट करा दिए, ले गए थे या गड्डी भेजे थे, कोरोना का टेस्ट कराए। अभी पंजाब में जो कर्फ्यू हट गया है, लॉकडाउन 31 मई तक है, उसके बाद काम यहाँ पे भी बराबर शुरू हो जाएगा, आप क्यों घर जाना चाहते हैं? यहाँ पानी बढ़ते जा रहा है और हम लोग कितने दिन से बैठे हुए हैं और दुकान वकान भी मछली का बंद पड़ा हुआ है, हम काम बंद करके पड़े हुए हैं यहाँ पर, कितने दिन मतलब कि यहाँ भूखे रह सकते हैं। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से? आपको कुछ नहीं मिला? कहीं कहीं ग्राम पंचायत वाले सुनते हैं तो 2-4 किलो आटा या कुछ नमक तेल भिजवा देते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर मतलब कि उतना जानकारी नहीं है कि हम लोग जाएं वहां पर और ले आए। कोई कोई आ जाता है कि है। कितने बंदे जो आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, कितने बंदे हैं? अभी 4 बंदे हैं, अभी दो बंदे और हैं, ये 6 बंदे हैं अभी। अभी आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी घर मतलब कि भेज दिया जाए बलिया, ये ट्रेन से या कोई साधन से हम लोग मतलब कि जाना चाहते हैं। सो देखा तुसी जड़े मजदूर है किन्ने मजबूर है, ये रह रहे हैं सतलुज किनारे ते रोज़ जिहड़ा पानी है वो वध रहा है, जिवें जिवें पानी वध रहा है उवें उवें इन्हां दे दिल दीआं धड़कणां भी तेज़ हो रही हैं। छोटा जिहा आशियाना बना के रह रहे हैं, किसी वक्त भी जिहड़ा पानी वध सकदा, इन्हां दा आशियाना डुब सकदा है। ये मच्छी फड़न दा जिहड़ा कारोबार है इत्थे करदे हैं, ठेकेदार ने भी इन्हां दी वाह नहीं फड़ी, दूजे पासे प्रशासन वल्लों भी इन्हां नूं कोई सहायता नहीं जिहड़ी है प्राप्त हो रही। ग्राम पंचायत वल्लों कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत आटा नमक कदे ना कदे दे दित्ता जांदा है, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल होया पिया है। तो कितना कितने पंजाब सरकार ने बड़े दावे किए सी कि असी प्रवासियों की बांह फड़ ली है, इन्हों कि भी प्रकार की जिहड़ी है आप इन्हों दुख नहीं देन देना, बिल्कुल इन्हों दुखी नहीं रहन देना, लेकिन ये परिवार जिहड़े है चार व्यक्ति है पूरी तरह दुखी है। प्रशासन अगे वार बार मंग कर रहे हैं कि सानू साडे जिले पहुँचा दिता जाए, रजिस्ट्रेशन इन्हों तो नहीं हो पा रही। सो प्रशासनिक अधिकारी इन्हों की सार लैन। पंजाब टीवी के लिए मनीष प्रवाह की रिपोर्ट।